आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। फिर बचाई एक जान, डूबते को बाबू भाई का सहारा। श्री बाबूलाल जी केवट, जिन्हें सब बाबू भाई कहते हैं, आप विगत 40 सालों से नर्मदा जी के उत्तर तट पर बड़वाह के आसपास की नहाने आई हुई आम जनता को विपरीत परिस्थितियों में डूबने से बचाते आए हैं। आज नवरात्रि पूर्ण होने पर दशहरे के दिन भी 30 साल का युवा इंदौर से अपने घर से माताजी की छोटी सी मूर्ति लेकर विसर्जित करने आया। जैसे ही मूर्ति विसर्जित करने लगा, वैसे उसका पैर फिसला और पानी में डूबने लगा। चिल्ला चोट होने पर घाट पर ही सुरक्षा बेल्ट लिए बाबू भाई ने कूदकर युवक को निकाला और उसकी जान बचाई। यदि थोड़ी देर हो जाती तो निश्चित तौर से इंदौर से आया हुआ युवा आज अपने घर वालों को जिंदगी भर के गम में डूबो जाता। बाबू भाई ने यह भी बताया, पिछले हफ्ते ही 2 से 3 लोगों को इस तरह से डूबने से बचाया। 4 दिन पहले ही एक लड़की नर्मदा पुल से आत्महत्या की नीयत से कूदी। नीचे नाव वालों ने कोशिश भी की बचाने की, मगर उसे ज्यादा अनुभव नहीं होने से वो लड़की को नहीं बचा पाया। लोगों की अमूल्य जान तो बाबूलाल जी जैसे लोग बचा रहे हैं, मगर इनका खुद अपना जीवन बहुत दुष्कर परिस्थितियों में जीने पर मजबूर। इनकी नाव चलाने की अनुमति किसी कारणवश ले ली गई। घर परिवार में बच्चे बड़े हो गए। नर्मदा नदी से मात्र नारियल पकड़कर या अन्य किसी भक्त के माध्यम से की गई सेवा भाव से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें किसी प्रकार का कोई मेहनताना या मानदेय आज तक नहीं मिला। पंचायत की ओर से भी बार बार प्रशासन को लिखा जा चुका है। पूर्व SDM श्री अनुकूल जैन द्वारा इन्हें मानदेय या वेतन देने के संबंध में प्रशासन को लिखा, मगर आज तक इतनी अमूल्य जिंदगी बचाने के बावजूद भी उनकी जेब खाली ही है। रोजी रोटी की कोई स्थायी व्यवस्था न होने से लोगों की जान बचाकर ही अपना जीवन धन्य मान रहे हैं। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। बताएं कि आप यहां पर कब से ये सेवाएं दे रहे हैं? ये मेरे को 40 साल हो गए सर। और आपके घर परिवार से? घर परिवार से मेरे छोरे भी जवान हो गए, वो भी यही काम करते, कोई डूबता है तो बचाते, नहीं तो पटेल साहब का। एक छोरा काम कर दिया पटेल साहब के नाव पे, और मेरा धंधा था जो अधिकारियों के कारण छीन लेगा मेरे से मेरा धंधा। अभी आपकी नाव नहीं चल रही है? नहीं चल रही मेरी नाव, पटेल साहब एक किराए से चला रहे और एक बंदी हुई है। तो आपकी रोजी रोटी का फिर और कोई साधन? रोजी रोटी नारियल पकड़ लेता हूँ तेर के, इससे गुजारा चलता है मेरा, और घर परिवार बच्चों को भी उससे पालन पोषण होता है। क्या आपको अपने इस लोगों की जान बचाने के काम में और सहयोग की आवश्यकता है, लोगों के बच्चों की? मेरी भी यही इच्छा है कि पानी ये जैसे 9 टारवे चलती है तो यहाँ खतरा ही हो गया, तो एक दो जवान और आए हमारे बराबरी के छोरे है, तैनात छोरे हैं, तो इनका कि कभी सरकार तरफ से कुछ वेतन मिले उनको, तो उनको नौकरी लग जाए तो अच्छा है, तो यहाँ सेवा में डटे रहेंगे भैया। नहीं तो ऐसा तो मैं डटा हूँ माई की कृपा से, नारियल पकड़ के बेचना और अपना गुजारा करना और सेवा दे रहे। कल भी एक को बचाया, एक आज बचाया, एक अभी 4 रोज पहले बचाया। क्या अपने पंचायत में या SDM साहब को आपने ऐसा कोई आवेदन दिया कि हमारे यहाँ पर ये जान बचाने के लिए जो नर्मदा पे रक्षक है उनको कोई वेतन दिया जाए? SDM साहब अभी नए आए, इनको नहीं दिए, जैन साहब थे उनको 2-3 बार दिए थे तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, और अभी जो SDM साहब आए तो अभी नए आए, ज्यादा बातचीत नहीं हुई हमारी। अब हमारी ऊंचाई दशहरे बाद अभी 2 महीने में मैंने 10 केस बचा ली और 2 बाल्टियां निकाली। देरिया में भी डूब गया था तो गए डेम से पानी छोड़ दिया, फिर भी हम मठ मेले पानी में कूदे और बाल्टी को चापल के ढूंढ ली 17 फीट पानी में से। चलिए प्रशासन आपको कुछ सहयोग करे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हाँ जी, नर्मदे हर।